अगर गाइस हमें ट्रैवल या फिर व्लॉगिंग वीडियोस के लिए न्यू कैमरा लेना हो तो सबसे पहले दो कैमरा हमारे माइंड में आते हैं, या तो गोप्रो या फिर आईफोन, जिससे हम सोचते हैं कि हम बढ़िया व्लॉगिंग कर सकते हैं। और फिर हो जाती है कन्फ्यूजन शुरू कि दोनों में से कौन से कैमरे बेस्ट है, कौन सा हमें लेना चाहिए। और इसी सवाल का जवाब गाइस आज के आपको वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं दोनों कैमरास का रियल वर्ल्ड कंपैरिजन। देखने वाले दोनों कैमरा से कैसी व्लॉगिंग होती है, कैसे हम इससे ट्रैवल वीडियोस बढ़िया बना सकते हैं, दोनों में से कौन सा कैमरा बेस्ट है। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में कौन सा कैमरा हमें इन दोनों में से लेना चाहिए। तो दोनों कैमरास की टेस्टिंग में सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्लॉगिंग टेस्ट से। तो इस तरफ है मेरे पास GoPro 10 और इस तरफ है मेरे पास iPhone 13 Pro, और मैं जानता हूं ये दोनों कैमरा जो है लेटेस्ट ज्यादा नहीं है, लेकिन गाइस मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि GoPro 10 और 11 में ज्यादा फर्क नहीं है क्वालिटी में, और iPhone के 12 हो, 13 हो या फिर 14 मॉडल्स हो, इनके भी फ्रंट कैमरा में ज्यादा आपको ड्रास्टिक फर्क देखने को नहीं मिलता। आप सभी जानते होंगे कि iPhone में हमें बहुत ज्यादा ह्यूज अपडेट नहीं देखने को मिलती। तो दोनों कैमरास में गाइस हम कंपेयर करने वाले हैं ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव, कि कितना वाइडर प्रोस्पेक्टिव हमें देखने को मिलता है और गाइस कितनी बढ़िया स्टेबलाइजेशन हमें देखने को मिलती है अगर हम इन दोनों कैमरास से व्लॉगिंग करते हैं। तो सो करेंटली ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है iPhone 13 Pro के फ्रंट कैमरा से, और जो रेजोल्यूशन सेट है वो है 4K मोड 60 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर। तो आपको कुछ इस तरह का प्रोस्पेक्टिव देखने को मिलेगा, इतना वाइडर जो है प्रोस्पेक्टिव होता है फ्रंट कैमरा से, चाहे आपके पास iPhone 12 हो, 13 हो, 14 हो, नॉर्मल या फिर प्रो मॉडल, सब में गाइज आपको इस तरह का प्रोस्पेक्टिव ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा। रही बात गाइस कैमरा मूवमेंट की, अगर आप कैमरा लेके मूव करते तो आपको गाइस इस तरह की स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगी, और ओवरऑल जो प्रोस्पेक्टिव है, ओवरऑल जो डिटेल है, वो कुछ इस तरह की है फ्रंट कैमरा से। और गाइज अगर हम बात करें ऑडियो क्वालिटी की, तो अभी ऑडियो डायरेक्टली फ्रॉम दी आईफोन है, मैंने कोई भी एक्सटर्नल माइक अटैच नहीं कर रखा, लेकिन अगर आप और भी बढ़िया ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं अपने व्लॉग्स में, तो गाइज आप एडिशनल माइक्रोफोन आईफोन के साथ जो है अटैच करके बढ़िया ऑडियो के साथ शूट कर सकते हैं। सो गाइज अब मैंने स्विच कर लिया है GoPro पर, और जो मोड है वो है वाइड एंगल पर, लेकिन गाइज हमें GoPro में कहीं तरह के एंगल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि वाइड, सुपर व्यू, नैरो। तो आप अपने व्लॉग्स में कहीं तरह के प्रोस्पेक्टिव दिखा सकते हैं, जो कि हमें आईफोन में ऑप्शन नहीं मिलता। आईफोन में सिर्फ एक ही मोड होता है, वाइड मोड, नॉर्मल मोड, हम अलग अलग जो मोड्स हैं आईफोन में चूज नहीं कर सकते। इसके अलावा गाइज अगर मैं बात करूँ स्टेबलाइजेशन की, तो अगर आप हाथ में लेके GoPro को मूव करते हैं या फिर कोई भी कैमरा मूवमेंट करते हैं, तो आपको कुछ इस तरह की स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है। एंड साउंड क्वालिटी भी डायरेक्टली फ्रॉम द कैमरा, कोई भी एडिशनल माइक्रोफोन मैंने इस वीडियो में नहीं लगाया गया है। तो ओवरऑल क्वालिटी गाइस GoPro से हमें व्लॉगिंग करने के लिए इस तरह की देखने को मिलती है। और GoPro में व्लॉगिंग करते वक्त एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी कि अगर मैं 4K से 5K वीडियो पर शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं आसानी से कर सकता हूँ। यानी कि मैं GoPro में मैक्सिमम 5K वीडियो रेजोल्यूशन पर जो है शूट कर सकता हूँ, यानी कि क्वालिटी जो है टॉप नोच रहने वाली है अगर हम GoPro से व्लॉगिंग करते हैं आईफोन के कंपैरिजन में। ऑलराइट गाइस, तो अभी तक हम व्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आईफोन के फ्रंट कैमरा और GoPro के मेन कैमरा को कंपेयर कर रहे थे, लेकिन गाइस अब हम करेंगे आईफोन के बैक कैमरा और GoPro के मेन कैमरा को कंपेयर, और फिर देखते हैं हमें क्या रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। सो आईफोन और GoPro दोनों को मैंने स्टैंडर्ड प्रोस्पेक्टिव पर सेट कर रखा है, ताकि हम एक स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर कर सके। एंड दोनों कैमरास का रेजोल्यूशन 4K मोड पर है, लेकिन GoPro 5.3K तक शूट कर सकता है, दैट मींस GoPro से हम चाहे तो ज्यादा डिटेल कैप्चर कर सकते हैं। एंड रही बात गाइस स्टेबलाइजेशन की, तो दोनों कैमरास में हमें स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है, लेकिन GoPro जो है ज्यादा बेटर स्टेबलाइजेशन करता है, और इसमें गाइस हमें हॉरिजॉन लेवल का फीचर भी देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं स्टेबलाइजेशन में चार चांद लगा देता है। और अगर हम प्रोस्पेक्टिव की बात करें, तो GoPro में हमें थोड़ा वाइडर प्रोस्पेक्टिव देखने को मिलता है, और आईफोन में थोड़ा स्टैंडर्ड प्रोस्पेक्टिव देखने को मिलता है, यानी कि आप ज्यादा एरिया GoPro में कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं या फिर कोई भी ट्रैवल वीडियोस बनाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा एरिया आप अपनी वीडियोस में दिखा पाएंगे। एंड अगर हम बात करें जूम करने की, तो GoPro में गाइस आप ज्यादा जूम नहीं कर सकते, लेकिन आईफोन में अगर आपके पास नॉर्मल मॉडल्स है तो आप 2x तक जूम कर पाएंगे, और अगर आपके पास प्रो मॉडल्स है तो आप 3x तक भी जूम कर पाएंगे। तो वो आपके मॉडल पर डिपेंड करता है, लेकिन आईफोन में जूमिंग रेंज बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू GoPro। अब अभी तक गाइस दोनों की कंपैरिजन वीडियो देखकर आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि दोनों में कौन सा बढ़िया कैमरा है, कौन सा वीडियो परफॉर्मेंस में बेस्ट परफॉर्म करता है। लेकिन गाइस अब मैं आपको कुछ ऐसी दोनों कैमरास की लिमिटेशंस बताने वाला हूँ, जिससे आपको और भी ज्यादा 100% क्लियर हो जाएगा कि दोनों में से कौन सा कैमरा आपके लिए बेस्ट है, कौन सा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो है बढ़िया परफॉर्म करता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आईफोन की लिमिटेशन से। तो एक बात तो गाइज आप सभी जानते होंगे कि चाहे आपके पास 1 लाख का आईफोन हो या फिर 70,000 रुपीज का,
इसकी स्टोरेज हमेशा फिक्स रहती है। तो अगर गाइज आप कोई भी व्लॉगिंग शूट कर रहे हैं, ट्रैवल वीडियो शूट कर रहे हैं, और अगर आपके फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई उस टाइम, तो गाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सिवाय एक ऑप्शन के कि आपको स्टोरेज खाली करनी पड़ेगी डेटा कॉपी या फिर डिलीट करके। लेकिन गाइज GoPro में हमें कोई भी ऐसी लिमिटेशन देखने को नहीं मिलती। अगर आपके GoPro का मेमोरी कार्ड बाय चांस फिल हो भी गया ना शूट करते वक्त, तो गाइज आप मेमोरी कार्ड लगाकर अपना शूट कंटिन्यू कर सकते हैं और आपको कोई भी डाटा की टेंशन लेने की नीड नहीं है। आप बैक टू बैक जो है कंटिन्यूसली वर्क फ्लो के साथ GoPro से शूट कर सकते हैं। सेकंड थिंग गाइज, आईफोन की बैटरी खत्म होने पर आप आईफोन की बैटरी चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल गाइज, आप शूट करें और शूट करते वक्त मान लीजिए बैटरी लो हो गई और आप उसको चार्जिंग पर लगाते हैं साथ साथ पावर बैंक की मदद से, तो गाइज आपका फोन एक तो हीट होना शुरू हो जाएगा, दूसरा गाइज आपको पावर बैंक भी शूट में साथ साथ संभालना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं गाइज हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है। लेकिन गाइस GoPro में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए आपकी GoPro की बैटरी खत्म हो गई तो आप दूसरी बैटरी डाल के अपना शूट कंटिन्यू कर सकते हैं और जितने जो बैटरी खत्म हुई है उसे चार्जिंग पर लगा सकते हैं, तो आप बैक टू बैक GoPro में शूट कर सकते हैं। लेकिन आईफोन में आपको ये लिमिटेशन देखने को मिलेगी। अब थर्ड पॉइंट जो गाइज मैं आपको लिमिटेशन का बताने वाला हूँ, ये गाइज आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा कि दोनों में से कौन सा कैमरा बेस्ट है, स्पेशली व्लॉगिंग या फिर ट्रैवल वीडियोस के मामले में। तो गाइज आईफोन जो है ना वो ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। मान लीजिए आप ट्रैवल या फिर कोई भी व्लॉगिंग वीडियोस बना रहे हैं, आपको आईफोन को या तो बाइक पर या फिर कार पर माउंट करना है या फिर अपनी चेस्ट पर माउंट करना है, तो ऐसी सिचुएशन में एक तो आपको जल्दी से इसकी एक्सेसरी नहीं मिलेगी कि आप अपने आईफोन को माउंट कर सके, अगर मिल भी गई आपने ढूंढ भी ली तो गाइज आप प्रेफर नहीं करेंगे इतना महंगा फोन पर रिस्क लेने की। 1 लाख या फिर 70,000 रुपीज का फोन गाइज ना तो गाइज आप बाइक पर लगाना प्रेफर करेंगे ना ही अपने चेस्ट पर, क्योंकि एक बार अगर ये टूट गया तो आपका बहुत अच्छा खासा जो है खर्चा बैठ जाएगा। लेकिन गाइज GoPro में ऐसा नहीं होता, क्योंकि GoPro की एक्सेसरीज बहुत कमाल के आते हैं जिससे हम बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं दोनों में से GoPro कितना ज्यादा कॉम्पैक्ट है, इजीली गाइज हम इसको कहीं पे भी माउंट कर सकते हैं। एंड गाइज इसमें ज्यादा ग्लास पैनल का काम नहीं होता आईफोन के कंपैरिजन में, तो गाइज ये जो है ज्यादा रोबस्ट और रफ एंड टफ यूज में कमाल का परफॉर्म कर सकता है। और फोर्थ लिमिटेशन गाइज आईफोन की ये होती है कि GoPro ज्यादा वाटरप्रूफ होता है, तो अगर आप अंडर वाटर शूट करना चाहते हैं तो GoPro से आप बिना टेंशन के कर सकते हैं। लेकिन आईफोन गाइज वाटरप्रूफ तो होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता, और उससे रिस्क लेने का बिल्कुल मन नहीं करेगा कि हम अंडर वाटर जाके जो है आईफोन से शूट करें। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा अमीर है आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास और नए आईफोन बहुत सारे आ जाएंगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मल कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गाइज वो जो है GoPro प्रेफर करेगा अंडर वाटर शूट करने के लिए। तो ये तो हो गई आईफोन की लिमिटेशन जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा मैटर करती है। लेकिन गाइज अब देखते हैं कि GoPro की क्या क्या लिमिटेशन है। तो इसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक या फिर लिमिटेशन मेरे को लगती है बैटरी बैकअप। GoPro कैमरास का बैटरी बैकअप बहुत ही कम होता है, आपका एक बैटरी से बिल्कुल गुजारा नहीं होने वाला, आपको कम से कम 2 या फिर 3 बैटरी चाहिए तभी आप प्रॉपर कंटेंट शूट कर पाएंगे, क्योंकि गाइज एक बैटरी खत्म होगी तभी आप दूसरी जो है यूज़ कर पाएंगे और जितने जो है पहले वाली चार्ज होगी। लेकिन आईफोन में गाइज ऐसा नहीं होता, आईफोन की बैटरी अच्छी खासी जो है बैकअप देती है। GoPro से काफी ज्यादा शूट गाइज आप आईफोन में सिंगल बैटरी बैकअप में कर सकते हैं। सेकेंड थिंग गाइज, GoPro में आप साथ के साथ एडिट और अपलोड कॉन्टेंट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको इंस्टाग्राम पे कोई भी रील, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो डालनी है, थोड़े बहुत शॉर्ट्स बना के डालनी है, तो गाइज आप GoPro पे नहीं कर सकते। एडिटिंग का इसमें ऑप्शन है लेकिन गाइज एडिशनल डिवाइस के साथ में, आपको कोई फोन अटैच करना पड़ेगा। जब आप उसमें ऐप पे एडिट करेंगे तो गाइज आप GoPro की वीडियोस को एडिट कर सकते हैं, इन बिल्ट कैमरा में आप ये चीज नहीं कर पाएंगे। लेकिन आईफोन में हमें ये फायदा होता है कि अगर आपको साथ के साथ कंटेंट अपलोड करना है तो गाइज आप इजीली आईफोन में कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एडिटिंग के लिए बहुत सारी एप्स हमें देखने को मिल जाती है और इंटरनेट कनेक्शन भी आईफोन में अवेलेबल हो जाता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिमिटेशन गाइज हमें जो GoPro में देखने को मिलती है वो है गाइज, ये सिर्फ गाइज वीडियो शूटिंग के काम ही आ सकता है। अब आईफोन में क्या होता है गाइज, हम स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं, शूट भी कर सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं, सारी चीजें हम आईफोन पे कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। लेकिन GoPro में गाइज हमें दूसरे डिवाइस पर डिपेंड होना पड़ेगा कि अगर हमारे पास दूसरा डिवाइस जैसे कि लैपटॉप या फिर फोन होगा तभी हम इसकी वीडियो को एडिट कर पाएंगे, अदरवाइज गाइज हम एडिट नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ आपको शूट करके ही दे सकता है। अब दोनों कैमरास की कंपैरिजन वीडियो और प्रैक्टिकल यूसेज देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि दोनों में से कौन सा कैमरा ले, आईफोन बढ़िया या फिर GoPro बढ़िया है। तो वैसे तो गाइज मैंने दोनों के ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स आपको डिटेल में बता दिए, लेकिन गाइज अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो गाइज मैं प्रेफर करूंगा GoPro कैमरा। ऐसा इसलिए गाइज, GoPro जो है काफी सस्ता है आईफोन के कंपैरिजन में। अगर आज की डेट में मैं आईफोन 12 भी लूं तो आईफोन 12 कम से कम 128 GB 60,000 या फिर 65,000 रुपीज़ के आसपास में आएगा, लेकिन गाइज हमें GoPro 45 से
50,000 रुपीज में देखने को मिल जाते, तो हमारा गाइस कम पैसों में जो है आराम से काम हो सकता है। और इस कैमरा की क्वालिटी भी ज्यादा बढ़िया है आईफोन के कंपैरिजन में। आईफोन मैक्सिमम 4K वीडियो में शूट करेगा, लेकिन GoPro जो है 5K में शूट कर सकता है, तो क्वालिटी भी मेरे को कम पैसों में ज्यादा बढ़िया देखने को मिलेगी GoPro में। एंड सेकंड थिंग गाइस, GoPro में चाहे बात हो बैटरी की या फिर स्टोरेज की, दोनों में कोई भी लिमिटेशन या फिर बाउंडेशन नहीं है। मैं जितना चाहूं उतना शूट कर सकता हूं बैक टू बैक बैटरी और मेमोरी कार्ड बदल के, लेकिन आईफोन में ऐसा नहीं है। आईफोन में सब कुछ जो है फिक्स रहता है, उसमें कुछ भी एक्सपेंड नहीं कर सकते। एंड गाइस, GoPro जो है ज्यादा कॉम्पैक्ट है, ज्यादा रोबस्ट है, बिल्कुल रफ एंड टफ यूज में भी मैं इसको इजीली यूज कर सकता हूं। मैं आराम से कम रिस्क उठा के भी गाइस बहुत अच्छा शूट कर सकता हूं, लेकिन आईफोन में जो है रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। तो अगर मैं कोई भी एक्शन वीडियो रिकॉर्ड करूं, कोई भी अंडर वाटर शूट करूं, तो मैं आईफोन प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं प्रेफर करूंगा GoPro, क्योंकि GoPro में गाइस सेफ्टी ज्यादा है। एंड व्लॉगर्स के लिए, यानी कि व्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं कंपेयर करूं, तो GoPro ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि गाइस हम GoPro के मेन कैमरा से व्लॉगिंग इजीली कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं 5K में भी व्लॉगिंग करना चाहूं तो इजीली कर सकता हूं, लेकिन हमें आईफोन में फ्रंट कैमरा से जो है व्लॉगिंग करनी पड़ेगी, जिसकी क्वालिटी गाइस काफी ज्यादा डाउन है GoPro के मेन कैमरा के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल गाइस, GoPro इज विनर हियर, प्राइस भी कम और क्वालिटी भी ज्यादा। बाकी गाइस, ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। मेरे को GoPro बढ़िया लग रहा है, हो सकता है आपको आईफोन बढ़िया लगे तो आप आईफोन पे जा सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है, आपको पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आईफोन इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। बाकी गाइस, आपको GoPro और आईफोन में से कौन सा कैमरा सबसे बढ़िया लगा, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड गाइस, अगर आप GoPro Hero 10 की डिटेल्ड रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स है, कैसे परफॉर्म करता है, तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप वहां से गाइस उस वीडियो को देख सकते हैं। सो ये वीडियो गाइस अगर आपको हेल्पफुल और अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।